हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आज आम अनुशीलन टू ए क्वेश्चन नंबर 11 रु 14 नंबर पर्यंत करिबा। तो 11 नंबर क्वेश्चन को देखिबा। देख, 1 नंबर क्वेश्चन कौन देछि ना, 10 सेमी व्यासार्ध विशिष्ट गोटे वृत्तर दुईट समांतर जे किए ए बी और सी डी, ताक मध्य दूरता होती 10 सेमी। ए बी जे केन्द्र ठार यदि 6 सेमी दूर अवस्थित हेले ए बी और सी डी दैर्घ्य निर्णय कर। ठीक अच्छे, मुझे फास्ट गोटे चित्र करदे। देख, ये गोटे हूँ कौन वृत्त, वृत्तर ना हूँ एस केन्द्र किए हूँ ना ओ। ओके, तार व्यासार्ध हूँ के 10। तो ठीक अच्छे, तो आउ कौन दे ना ए बी ओ सी डी दुटा कौन देती ना जिया देखे, मुझे ए बी ओ सी डी दुटा जिया नहीं जाऊँगी। हाँ, आउ गोटे कथा देती कौन दीजा को समांतर, तेणुक समांतर करके मन कर तले गोटे अंकन करदे सी डी। ओके, ए बी ओ सी डी दुटा अंकन करदे, तो आपके भितर दूरता के देख, मुझे जो दूरता अंकन करी ये कौन ना जी केन्द्र देखिए जाऊ। ओके, आपको मन कर पी बिंदु, या मन कर क्यू बिंदु कौन कर छेद कर। देख, आउ कौन अच्छी लिखा को ना? ठीक अच्छे, जी बाहरी दत्त लिखिया दत्त एस वृत्तर ओ वृत्तर केन्द्र एवं वृत्तर व्यासार्ध के 10 सेमी। आउ कौन अच्छी ना ए बी ओ सी डी दुईट समांतर जिया, ए बी ओ सी डी दुईट समांतर जिया एवं सेमानकर मध्यरे दूरता केते ना 10 सेमी। आउ कौन अच्छी ना आमको दे दी कौन दे ना ए बी जा केन्द्र ठार 6 सेमी दूर रे, ए बी जाटा केन्द्र ठार 6 सेमी दूर रे, माने पीओटा केते, पीओटा कहे के 6, एठू तक हूँ 6, ताले एठू तक के 4 हे, कारण टोटाल हूँ 10। मुझे लिखिदेवि से पीओ के 6 सेमी, आउटे के आमर ओ क्यू, ओ क्यू के 4 सेमी। ओके, तापर देख दत्तपुर कौन आसीजर ना ये कौन दे निर्णय करने को, आम जो निर्णय कर लिख निर्णय, निर्णय कौन लिखा ना ए बी ओ सी डी दैर्घ्य, आम कारण कौन दैर्घ्य निर्णय करवा। तापर कौन लिखा देख अंकन, अंकन कौन हम ना ए ओ आ कौन सीओ को अंकन कर जाऊ, एओ सीओ अंकन कर जाऊ, एओ ओ सीओ अंकन करा जाऊ, करा जाऊ। देख, अंकन वाला तापर कौन स्टार्ट हो ना समाधान। देख, ए पी ओ एक कौन समकोणी त्रिभुज, ए पी ओ समकोणी त्रिभुज रे, त्रिभुज रे ताले कौन है मोर ए ओ रो स्क्वायर इक्वल टू ए पी रो स्क्वायर प्लस पी ओ रो स्क्वायर, ए ओ रो जगह मुझे कैसे पकईदेवी ना 10 पकईदेवी, 10 रो स्क्वायर इक्वल टू एपी जगह कैसे पकईबी, एपी जगह मोर किसी पड़े नहीं कहना ये गोटे एपी बाहर करदे तेज 2 गुण दे बाहर, तो तेणुक सीट जगह के एपी रो स्क्वायर पड़ो, पीओ जगह के पड़ो ना 6 रो स्क्वायर। ठीक अच्छे, तापर देख ताल ये केगला ना 100 इक्वल टू एपी रो स्क्वायर इक्वल टू के प्लस 36, ताल मु खाली एपी रो स्क्वायर के एपी रो स्क्वायर हो के 100 माइनस 36 जोड़ा के 64, एपी रो स्क्वायर इक्वल टू के 64, खाली एपी के 64 रूट ओवर जाए के 8 सेमी, के 8 सेमी, तेज एपी रो दैर्घ्य के प्लस ए इक्वल टू 2 इन 2 एपी
कारण कहीं जो रेखाटा ये जो सम कौन ना ये जो रेखाटा गला पीओ ये जो ओपी जो रेखा कर समाधि खंड करेतु समाधि खंड कर जो ताप्रति लंब हो तेणुकर यहाँ कौन ताको समाधि खंड कर एपिटा हे आठ दी पूरा एपिटा के ना दुई इंटु आठ इक्वल टू के षोल सेमी ओके से प्रमाण करवा कहीं सेकेंडटा सेकेंडटा को देख कम प्रमाण कर सैड्रे लिखिदे तुम कितु तलू लिख कौ त्रिभुज ओ सी क्यू त्रिभुज गोटे गार पक ओ सी क्यू समकोणी त्रिभुज कौन है ना ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी क्यूर स्क्वायर प्लस ओ क्यूर स्क्वायर ओ सी वैल्यू के दस दस स्क्वायर इक्वल टू ये सी क्यूरो वैल्यू सिक्यूर वैल्यू आम बाहर करवा ना तो सिक्यूर स्क्वायर सेमती रो क्यूरो वैल्यू के चार स्क्वायर षोह एटा के शहे ये सिक्यूरो स्क्वायर ये षोह सिक्यूरो खाली सिक्यूरो स्क्वायर के शहे रु षोह गले के शहे माइनस षोह तेल सी क्यूटा के शहे षोल रु सरी शहे रु षोह गले चौराशी रुट ओवर देख चौराशीटा को मुझे केमी रुट हटेबी दुई चौ आठ दुई दुगुण चार दूर काटे एक आउ तो जीवन से तेनालीराम के देख टू रुट एक यहाँ के टू रुट एक जदि सी क्यू हम टू रुट एक सी डी के टू इंटु सी क्यू जोटा के टू इंटु टू रुट एक ना फोर रुट एक ओके आमर एबी वैल्यू बाहर के षोह सी डी वैल्यू बाहर के सरी सी डी वैल्यू बाहर के फोर रुट एक आशा करोश्चिटा तुम भल भाव बुझीपार जीप आम सेकेंड क्वेश्चन को देख सेकेंड क्वेश्चन कौन दे गोटे वृत्त में त्रिभुज ए सी अंतर्लिखित होदि ए सी सामान हूँ प्रमाण कर बीओसी समवधि खंड रश्मि को वृत्तर केन्द्र बिंदु आम अटे देख मोटे फास्ट वृत्त करदे कौन कही भर गोटे कौन अच्छी ना त्रिभुज अच्छी त्रिभुजा भी कौन ना ए सी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी बाहू ए सी बाहू कौन एक सामान अच्छी से कही वृत्तर केन्द्र मनक ये पड़ा जदि वृत्तर केन्द्र कही जो एठ गोटे आसो कौन ओ रश्मि से कही ओ ए रश्मि मनक ये गोटे टणा है तेज आम प्रमाण करवा जाए ए कोणटा ए कोणटा कौन सामान बोलिका तेल बी ए सी कोण को ए रश्मि समाधि खंड कर अर्थ कौन ए जो बी ए ओ कोण ओके सी ए ओ कोण दिज सामान तो यू आम गोटे अंकन आसीज गोटे कौन ना बी ओ ओके सी ओ अंकन कर देख दत्त लिखा दत्त एस वृत्तर एस दे दि एस वृत्तर ओ वृत्तर केन्द्र ए बी सी समाधि बाहू त्रिभुज अंतर्लिखित अंतर्लिखित क्या भी ना एस वृत्त भितर एवं ए बी इक्वल टू ए सी तापर कौन ना तापर ये एतक रही तापर आउ किसी ना आमर कौन जा दत्तपर प्रामाणिक को जी दत्तपर कौन लिखा प्रामाणिक
प्रामाणिक ना एओ रश्मि एओ रश्मि केन्द्रबिंदुगामी रश्मि केन्द्रबिंदुगामी केन्द्रबिंदु गामी देख ये जो बी ए सी रि खंड कहे कौन एओ रश्मिटा कौन केन्द्रबिंदुगामी हम तो ठीक अच्छे तापर आम कौट जा अंकन अंकन कौन करवा ना बीओ ओ सीओ अंकन करा जाओ अंकन करा जाओ ओके तापर जा प्रमाण देख ए बी ओ त्रिभुज ए त्रिभुज ए सी ओ त्रिभुज मध्य ए बी ओ त्रिभुज एवं ए सी ओ त्रिभुज मध्य देख कौन देखु ना ए बी इक्वल टू ए सी कौन दत्त अच्छी इटा कौन अच्छी इटा कौन अच्छी ना दत्त अच्छी तापर कौन अच्छी आगे किए रही ना बीओ बीओ इक्वल टू कौन सीओ बीओ सीओ कौन हो गला आमर ना एका वृत्तर व्यासार्ध एका वृत्तर व्यासार्ध एका वृत्तर कौन हो व्यासार्ध हो तापरे आ गोटे कौन ना एओ साधारण भाव एओ कौन हो गला ना साधारण भाव तेणुक त्रिभुज त्रिभुज दुटी कौन हो सर्वसम हो दैट इम्प्लाइज ए बी ओ त्रिभुज सर्वसम ए सी ओ त्रिभुज को शर्त अनुसार ना बाहु बाहु कौन बाहु सर्वसम्मत अनुसार कौन त्रिभुज टाइप कौन हो गले सर्वसम होके तेबे प्लस मुझे लिखिपरि ना कौन जी एक दुटा कोण मध्य कौन हे सर्वसम हो कारण अनुरूप कोण अनुसार तेज बी ए ओ कोण इक्वल टू सी ए ओ कोण कोण दुटा एक सर्वसम हेल्ले अनुरूप कोण हेतु दैट प्लस एओ केन्द्रबिंदु कोण केन्द्रबिंदु कोण कारण कौन यही बी ए सी कोणर सम्मति खंड ही कौन हूँ एओ हो तेणुक कौन हम बी ए सी कोणर सम्मति खंड एओ केन्द्रबिंदु कोण ओके आशा करछि क्वेश्चन टा मध्ये हमरा सॉल्यूशन कर देले प्रमाणित लिखित थर्ड क्वेश्चन की जीवा देख दे गोटे वृत्तर दुईटी ज्या एक व्यास द्वारा सम्मति खंडक प्रमाण कर जे ज्या दुईटी समांतर देख एठी मध्ये गोटे वृत्त करवा वृत्तर दुईटी ज्या एक व्यास द्वारा सम्मति खंड हो मन कर एस वृत्त अच्छी ओ वृत्तर केन्द्र हो मन कर ए बी गोटे व्यास अच्छी ए बी मन कर एमती पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस ये कौन हो समाधि खंड कौन कर दीटा ज्या समातर जो ज्या दीटा अच्छी कौन कर समाधि खंड कर प्रमाण करवा जाए कौन ज्या दीटा कौन समातर बोलिका हाउ ए पॉइंट दे दियो कौन ना सी आउ डी दे दियो दत्त कौन लिखा ए से वृत्तर ओ वृत्तर केन्द्र ए बी ओ सॉरी
क्यू ओ आर एस दुटी ज्या बेस द्वारा सी ओ डी बिंदुरे समद्विखंड हुए। ओके ए बी व्यास द्वारा सी ओ डी बिंदुरे समद्विखंड हुए दत्तपुर आमर कौन आस प्रामाण्य देख प्रामाण्य कौन करवा प्रमाण पी क्यू समांतर कौन आर एस। ओके कौन हम ये अंकन किसी नहीं डायरेक्ट कौन करवा ना प्रमाण करवा देख जेहेतु एओ रश्मि एओटा कौन हो व्यास तेणुक ओ ए लंब हम क्या प्रति ओ ए लंब हो प्रति ना पी क्यू प्रति जेहेतु ये समद्विखंड कर केन्द्र जाऊ रेखाखंड समद्विखंड कर केन्द्र जाऊ रेखाखंड प्रति जैटी कौन हम ना लंब हम तेणुक लिखिपर ओ सी पी कोण इक्वल टू के नबे डिग्री ओ सी पी कोण के नबे डिग्री से हीपरी देख ओ डी जो आसला रेखाखंड आपको कौन कर समद्विखंड कर आर एस को तेणुक ओ डी आर कौन नबे डिग्री देख ओ सी पी कौन प्लस ओ डी आर कौन मिसीगल के नबे डिग्री प्लस नबे डिग्री के शहे अशी डिग्री होगा देख ये दुटा रेखा अच्छा गोटे रेखा कौन करेदक आकार छेद करा भी नबे डिग्री ईटा भी नबे डिग्री तेल एक पार्श्व अंतस्थ कोण अनुसार ये दुटा कौन है मिसिक शह अशी डिग्री होगा दिटा इम्प्लेस मुझे लिखिपर कौन कहीं जीव ना पी क्यू समांतर आर एस। ओके प्रमाणित आशा कर बुझीपार जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ये प्रमाण कर जे गोटे वृत्तर दुईट जा परस्पर को समद्विखंड कले से छेदबिंदु वृत्तर केन्द्र हे देख गोटे वृत्त अच्छी ना हूँ एस से कौन कर दीटा तार कौन अच्छा ना ज्या अच्छा दि ज्या दीटा का मध्य कौन परस्पर को कौन कर समद्विखंड कर मन कर ए बी ओके सी डी जे अच्छा परस्पर को समद्विखंड कर ना हूँ कौन ओ सी कह ओटे हूँ कौन ना केन्द्र हम बोलिका देख यू असंभान प्रणाली में समाधान करवा देख दत्त एस ए वृत्तर एबीओ सी डी एबीओ सी डी दुटी ज्या परस्पर को ओ बिंदुरे समद्विखंड करती करती। ओके आ कौन रहा आ किसी नहीं आम डायरेक्ट तापर कौन जी ना प्रामाण्य सतपुर कौन प्रामाण्य प्रामाण्य कौन दे प्रामाण्य कौन कर ना ओ वृत्तर केन्द्र बोलिका देखेगा ओ वृत्तर केन्द्र। ओके तापरे अंकन कौन करवा अंकन ये नहीं डायरेक्ट आम कौन प्रमाण करवा देख प्रमाण कौन हम प्रमाण ये गोटे मन कर धरिया पड़ो मन कर ओ डैश वृत्तर केन्द्र
ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଇଗଲେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ସେଠି ମନେକର ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର, ଓ ଓଡ଼ିଆ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଙ୍କନ କରିଦେବା, ଓଡ଼ିଆ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ଓକେ, ଦେଖ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଏବଂ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଓଡ଼ିଆ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏବିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କିଏ, ଓ ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଏଇଟା ଏହାର ଏଇଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସେଇଟା ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବ ଲମ୍ବ ହେବ, ତାହେଲେ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଲମ୍ବ କାହା ପ୍ରତି ହେବ ଏବି ପ୍ରତି ଓକେ, ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ନା ଏଆଡ଼େ ପ୍ଲେସ୍ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଓ ସରି ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡି, ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡି କ'ଣ କେତେ ହେଇଯିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ସେହିପରି ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ, ସରି ଏଇଟା ଡି ଏବି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଲା ନା ବି ଏଇଟା ଲେଖା ହେବ ଦେଖ ଏବି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଲା ଓ ଓଡ଼ିଆସ୍, ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆସ୍ ଓ ବି ଏ କୋଣଟା କେତେ ହେବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ସେହିପରି ଯେତିକବେଳେ ସି ଡି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବ କିଏ ଓ ଓଡ଼ିଆସ୍, ଓ ଓଡ଼ିଆସ୍ ଲମ୍ବ କାହାର ପ୍ରତି ନା ସି ଡି ପ୍ରତି, ଏଆର ଟିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏ ସି ଡି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଓଡ଼ିଆସ୍ ଓ ଡି କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଆସ୍ ଓ ଡି କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏ କୋଣଟା ମଧ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖେଇଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାପରେ ଏ କୋଣଟା ମଧ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖେଇଲେ, ତେବେ ତେବେ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ବି କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡି କ'ଣ ଦୁଇଟାକ ଦୁହେଁ ଯାକ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନା ଓ ଓଡ଼ିଆସ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଆସ୍ର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ବି ଓ ସି ଅବସ୍ଥିତ, କାରଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିକି ସେ ଦୁଇ ଜଣଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିକି ଏ ଗୋଟାଏ କୋଣକୁ କେମିତି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଆ ସେଥିରେ ଦେଖ ଏଠି ଯାହା ଏଇଟା ଏଇଟା ଦୁଇଟାକ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତ କଦାପି ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବା ତେବେ ଆମେ ନେଇଥିବା ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ, ଓଡ଼ିଆସ୍ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରମାଣିତ। ଆଶା କରୁଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଜିର ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା 11, 12, 13, 14 ନମ୍ବର ଚାରୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, ଆମେ କାଲି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ତା ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।